हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरिफ व्लॉग। दोस्तों आज कुछ सऊदी अरब की अपडेट पे बात करते हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सऊदी अरब से तीन अपडेट हैगी, चलिए मैं आपको बताता चलूं। दोस्तों कागा यानी CAGA की तरफ से एक अपडेट आया है। दोस्तों सऊदी अरब के अब सभी एयरपोर्टों को पूरी क्षमता से संचालित कर दिया जाएगा, यानी कि पहले जो सीटें खाली जाती थी प्लेन में, बीच में गैप रखा जाता था, बंदे नहीं बैठते थे, अब दोस्तों प्लेन में जितनी सीटें होंगी उतने बंदे बैठ के जाएंगे। अब दोस्तों इस ये तरीके की छूट दे दी गई है, मतलब कि जितनी सीटें हैं उतने ही बंदे जाएंगे, पूरी तरीके से संचालित कर दिया जाएगा। और दोस्तों आपको बताता चलूँ, दोस्तों मक्का हरम में बहुत से लोगों ने नमाज अदा करी, सारे रिस्ट्रिक्शन पूरे 1.5 साल बाद हटा दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों कमेंट में अल्हम्दुलिल्लाह जरूर लिखिएगा। और दोस्तों आपको बताता चलूं कि सारे नमाजियों ने हरम में नमाज अदा करी। दोस्तों मैं स्क्रीनशॉट नहीं लगा सकता, दोस्तों यहाँ पे ममनू है, किसी का ट्यूट किसी के बारे में स्क्रीनशॉट नहीं लगा सकते। दोस्तों ये अपडेट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों ये कोरोना से बता दूं, जो बंदों ने कोरोना की दवाई नहीं लगाई है, दोस्तों जितनी जल्दी जल्दी हो सके आप लोग वैक्सीनेशन लगा लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। दोस्तों ना आप कहीं सफ़र कर सकते हैं, ना किसी मॉल में जा सकते हैं, जितनी जल्दी जल्दी हो सके दोस्तों अपनी कोरोना वैक्सीन 2 डोज कम्प्लीट कर लीजिए, अपना तौकलना अपडेट कर लीजिए। दोस्तों यहाँ से आप एक डोज लगवा के सऊदी अरब भी जाते हैं, सऊदी अरब से छुट्टी भी जाते हैं, वहाँ से अगर किसी और भी कंट्री में जाते हैं तो भी आपको दिक्कत होने वाली है। दोस्तों तो यहाँ से दो डोज लगवा लीजिए, दोनों वैक्सीनेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दोस्तों आपको बताता चलूँ, जो आज़ाद ने घोषणा की है, जो सऊदी से छुट्टी पर गए और कोरोना के कारण वापस नहीं आए उनकी छुट्टी फाइनल एग्जिट में नहीं बदली जाएगी। जैसे कि आप छुट्टी गए कोरोना के कारण वापस नहीं आ पाए, तो आप सोच रहे हैं कि मेरा फाइनल एग्जिट लग जाए, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। छुट्टी पर गए और वीजे की तारीख ख़त्म हो गई है, वो लोग 3 साल से पहले सऊदी अरब नहीं आ सकते, सिर्फ पुराने कपिल और पुरानी कंपनी के पास ही आ सकते हैं। दोस्तों कहने का मतलब है, अगर आप गए हो तो उसी कपिल उसी कंपनी के पास आ सकते हो, आपका फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा। आप चाहें कि मेरा फाइनल एग्जिट लग जाए, फाइनल एग्जिट नहीं लगेगा, आप हाँ उसी कंपनी उसी कपिल के पास आ सकते हो। वो दूसरा, मैं खुद दोस्तों मैं अपना बता रहा हूँ, मैं खुद गया था, मैं नहीं आ पाया था किसी कारणों के बाद से, तो मैं उसी कपिल के पास आया था। बाकी मैं 3 साल सऊदी नहीं आया था, क्योंकि मैं छुट्टी गया था, ना कि फाइनल एग्जिट गया था, छुट्टी गया था, फिर मैं वापस नहीं आया, तो दोस्तों मैं नहीं आ सकता। तो इसलिए जो है दोस्तों उसी कपिल के पास आ सकते हैं, ये जौजाद की अपडेट है। दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, ऊपर बेल आइकन आ रहा होगा दोस्तों, दबा के उसको ऑल पर लगा दीजिएगा, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। ये कुछ अपडेट थी दोस्तों सऊदी अरब की,